या मैंने परसों के दिन समाचार में सुना था और वहाँ भी बहुत से जानवर को बताया था कि भाई ये जो है कौओं पे जानवर पे बीमारी आई है। और आज मैंने मेरे अपने आँखों से तीन कौओं को ये नीम पे से गिरते हुए देखा और एक कौवा सामने और एक कौवा ये सामने। वो दो कौवे तो दुनिया से कुछ कर गए हैं, दुनिया में नहीं रहे बेचारे, चले गए वो। और मैंने जब तक उनको पानी पिलाया, उनको रोटी भी डाली है, जो मेरे से बन गए हुए मैंने खिदमत की है। 4 तारीख को हमने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में दो कौओं का और एक वाइल्ड पक्षी जिसका नाम शिकरा है उसका सैंपल भोपाल जांच के लिए भेजा है। उसकी रिपोर्ट आने वाली है, अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। इस रिपोर्ट के माध्यम से क्या लगता है आपको कि क्या रिपोर्ट आ सकती है, सब कुछ संकेत वगैरह? अभी जैसे कि जानकारियां मिल रही है कि इंदौर और मंदसौर वहाँ पे कौओं में जो मृत्यु का कारण पाया गया है H5N8 स्ट्रेन डिक्लेयर हुआ है इन्फ्लुएंजा का। और वैज्ञानिकों ने यह भी बताया है कि यह स्ट्रेन अभी सिर्फ कौओं में ही डिक्लेयर हुआ है। जो पालतू पक्षी हैं जैसे मुर्गे हैं मुर्गियां हैं उनमें इस तरह का स्ट्रेन अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो पब्लिक को अभी इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो जंगली पक्षी है उसमें ही अभी स्ट्रेन डिक्लेयर हुआ।